पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में पलवल फरीदाबाद की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और साक्षात्कार कर युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए। आईटीआई के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि कोरोना काल में आईटीआई द्वारा लगाया जाने वाला यह पहला रोजगार मेला है। इसमें कंपनियों की मांग के अनुसार करीब 150 युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। उनसे हमने डिमांड ले ली है, उद्योगों को हमने पहले लिखा है कि आपको किस तरीके के व्यवसाय की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी डिमांड हमें दे दी है, जिसके तहत हमारे पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, इस तरीके के जो व्यवसाय के उन्होंने हमसे डिमांड की। हमारे यहाँ पर जो पिछले इंडस्ट्रियल क्षेत्र से डी डेवलपमेंट, शिवानी लॉक, पूजा पोर्ट्स, माइक्रो क्रिशन और जो अच्छी अच्छी कंपनी है वो हमारे यहाँ आ रही है। रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवा वीरेंद्र मनीष योगेश ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से जब नौकरी मिलेगी तो अधिक युवाओं का रुझान आईटीआई की तरफ बढ़ेगा। एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी की मांग के अनुरूप अब की बार वेल्डिंग, फीटर व अन्य ट्रेड के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। पलवल आईटीआई में जॉब फेयर लगाया हुआ है, यहाँ अप्रेंटिस वालों और जॉब के लिए कैंपस लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम तो यही चाहते हैं आगे भी लगे और बहुत से बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिले। हमें बहुत खुशी है, हमारे भविष्य में बच्चे आएंगे और उनके भी मेरा लगे और ऐसा ही चलता रहा तो आईटीआई ज़्यादा लोग करेंगे। यहाँ पर पिथले से और फरीदाबाद से कंपनियाँ आ रही हैं प्लेसमेंट और अप्रेंटिस के लिए, तो इसी में सर अपडेट हो रहा है थोड़ा सा। सर बहुत बढ़िया सरकार ये कर रही है। प्रीवियस ईयर्स में ये सब किया गया है यहाँ पे, लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे, हमने यहाँ से काफ़ी वेल्डिंग से फील्ड से बच्चे लिए थे और रेगुलर भी हम विधान जॉब फेयर के भी यहाँ से बच्चे लेते रहते हैं। क्या ऐसे जैसे हमें इंटीमेशन मिला कि जॉब फेयर है, जो हमारी डिमांड्स थी हमने सर के साथ शेयर की, उसके बेसिस पे हम आ जाए हैं, बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उनको जॉब के लिए रखेंगे।